सीढ़ियां मुबारक हों उन्हें, सीढ़ियां मुबारक हों उन्हें जिन्हें छत तक जाना है। हम मुसाफिर हैं यारों, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन की सीरीज। समाकलन का जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं और आज भी हम लोग कुछ करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। 2015 का HKHR सेट नंबर का पेपर है, का क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया गया है तो हम एक काम करेंगे इंटीग्रेशन क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/2 नीचे से ले लो कॉमन 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा डी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। भाई यहाँ पे 2 नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा हमें क्या करना है, अब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ये ए स्क्वायर माइनस 2ab है, अगर इसके साथ बी स्क्वायर भी मिल जाए तो देखो b का पता कैसे करेंगे, हमें पता है कि 2ab वाला टर्म कौन सा जिसमें सिंगल x की घात है। तो ये 2ab बराबर कितना है, कितना दिया गया है 2x, तो 2 से 2 काट दो, a की जगह पे x है तो ये b x हो जाएगा, x से x काट दीजिए यानी कि b बराबर कितना आ गया 1। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 का स्क्वायर जोड़ दिया जाए और 1 का स्क्वायर घटा दिया जाए, तो धन 1 कर दिया माइनस 1 कर दिया। ठीक है, dx अपनी जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं, ये मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया, हमने इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए काम किया है। चलिए पूर्ण वर्ग बनाते हैं, समझिए। अब देखो ये 1/2 को तो चुपचाप रहने दीजिए, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, इसको एक साथ रखोगे ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखो 1/2 ये प्लस की बची, ये माइनस की 1/2 हैं तो घटा देंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है भाई, माइनस का 1/2 बचेगा। अब थोड़ा सा बस इसे मॉडिफाई करना है, आंसर आपकी जेब में है ना। इंटीग्रेशन ये हमारा dx है डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में आ गया ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसको लिख दीजिए 1 बाई रूट टू का स्क्वायर हो गया। चलिए ये हो गया भाई, दोनों हो गए। ठीक है, अब समझिए, अब हमें एक इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला आपने पढ़ा है क्या, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स। देखो सेम फॉर्मेट यहाँ पे बन रही है, ये इक्वल टू होता है 1/2a log क्या है, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। ठीक है, रख देते हैं वैल्यू, एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1 है और ए की जगह पे 1/√2 है। करते हैं इस प्रश्न को बहुत आसान से तरीके से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2, फार्मूले में क्या है 1/2a, तो ये 1/2 हो गया और a की जगह पे रखना है आपको 1/√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रख दिया हमने 1/√2 इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर क्या है भैया, ये log x माइनस का 1, a की जगह पे कितना रखना है 1/√2 रख दिया हमने। ठीक है, फिर x प्लस a, एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1 और ए की जगह पे रखना 1/√2 प्लस सी, बस थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करना है, बाकी आंसर हमारे मुट्ठी में। काट दीजिए इसको अब देखो इसे काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 2 काटेंगे और 2 को काटेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि ऊपर 2 बचा, मतलब कि अब आंसर में क्या आ जाएगा 1/2, इसको काटने पे 2 बचा है, 2 और ये हो जाएगा log, और हम चाहेंगे चाहे तो आंसर को यहीं छोड़ दीजिए और चाहो तो 2 LCM ले लीजिए, ऊपर और नीचे दोनों में अलग अलग, अगर आप दोनों को LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2x − √2 − 1 डिवाइडेड बाई √2x − √2 + 1 + c। दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए, इस सूत्र का हमने यहाँ पे
प्रयोग किया है, इस सूत्र का प्रयोग किया है, इंटीग्रेशन 1 by x square minus a square dx = 1 by 2 a log x minus a divided by x plus a। अच्छा, एक फॉर्मूला और है आपको जो पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो ये भी क्या है, सेम फॉर्मेट है, बस इसमें x पहले इसमें x बाद में है, तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है किसका, 1 by 2 a log a plus x divided by a minus x plus c। ये दोनों फार्मूले याद रखना, क्योंकि ऐसे फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 2 नंबर का था और प्रश्न में कुछ था नहीं, सिर्फ पूर्ण वर्ग बनाना आपको आना चाहिए। चलिएगा आगे चलेंगे साहब, एक ये बेहतरीन क्वेश्चन है, 2015 के एचके एचआर सेट का प्रश्न है और ये 5 नंबर का है। ये दरअसल एक फार्मूला भी आपने पढ़ा है ना, इसका फार्मूला आपने पढ़ा है, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। इसे हम डेरिवेट करके लाएंगे, ठीक है, इसका करेंगे यहाँ पे डेरिवेशन। चलिए लेट करते हैं, लेट कर लीजिए भाई। देखो ऐसे प्रश्नों में ना हमें एक ही जगह पे क्या करना होगा, मानेंगे, ठीक है, एक मिनट, मानते हैं। देखो ऐसी कोई वैल्यू मानो जिससे कि ये रूट के बाहर निकल जाए, है ना। अब देखो ए भी लेना पड़ेगा साथ में, ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात, ए साइन थीटा मान लीजिए, ए साइन थीटा जैसे ही हम मानेंगे तो ए पूरा ए स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए भी निकल जाएगा, ए स्क्वायर बन के ए निकल जाएगा, 1 - sin² θ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और वो भी निकल जाएगा। तो मान लीजिए, माना x इज इक्वल टू कितना, ए साइन थीटा। अच्छा अब आपको पता है कि जैसे ये मानते हैं तो क्या क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा का कितना हो जाता है कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साहब डी थीटा, यानी कि डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए कॉस थीटा डी थीटा। चलिए आइए इंटीग्रेशन करते हैं इसका, इंटीग्रेशन, और ये कितना रूट के अंदर कितना हो जाएगा साहब, ये रूट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखो ए स्क्वायर ले लो कॉमन, तो ये 1 माइनस का कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अरे एक्स की जगह पे आप जब ए साइन थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जो डी एक्स है उसकी जगह पे आपको रखना है, डी एक्स की जगह पे कितना रखना है, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। चलिएगा आप समझिए, आप समझिए, देखो एक ए स्क्वायर है रूट के बाहर निकलेगा तो एक ए निकल जाएगा, और एक ए यहाँ पे है ऑलरेडी, तो ए स्क्वायर बाहर निकाल दिया, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन। देखो अब ये ए निकल गया, 1 - sin² θ cos स्क्वायर थीटा होगा, अब ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा साहब, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। यानी कि कितना आ गया इसका इंटीग्रेशन, आ गया ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जब भी cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा आता है तो हम साइन वाले फार्मूले से इसको चेंज करते हैं, है ना, सॉरी cos 2 थीटा वाला फार्मूला आपने पढ़ा है, cos 2 थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा है कि साहब cos 2 थीटा बराबर कितना होता है, cos के टर्म में 2 cos² θ - 1, यानी कि अब ये आ जाएगा, 1 को इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा 1 + cos² θ / 2 इज इक्वल टू किसके होता है, ये cos स्क्वायर थीटा, यानी कि हम cos स्क्वायर थीटा की जगह पे रख सकते हैं क्या, 1 + cos θ / 2 रख दीजिए साहब इसकी जगह पे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू को हम बाहर निकाले ले रहे हैं, ठीक है, बाई टू को हमने बाहर निकाल लिया। अच्छा फिर क्या है इंटीग्रेशन, देखो 1 का इंटीग्रेशन अलग कर लो, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन अलग कर लो, ए स्क्वायर बाई टू पूरे में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे बचेगा 1 by 2 तो निकल गया, इसमें सिर्फ 1 बचा, 1 डी थीटा, ठीक है, बीच में क्या है प्लस है, फिर क्या हो गया ए स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन कितना, ये है cos थीटा डी थीटा, क्या बात है, कमाल हो गया है, एकदम छोटा हो गया है प्रश्न। अब आपको पता होगा कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, 1 का होता है थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो थीटा हो जाएगा, प्लस
ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू। अब हमें पता है कि कॉस टू थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है साइन टू थीटा होता है, साइन टू थीटा होता है। और एक छोटी सी बात जो आपको बताना है, साइन टू थीटा तो होता है, देखो यहाँ पे टू थीटा है, जो गुणांक होगा थीटा के साथ उसे हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो ये टू आ गया, ठीक है भाई। प्लस सी मार दीजिए यहाँ पे, कॉन्स्टेंट टर्म ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब थीटा बराबर रख दीजिए साहब, यहाँ से थीटा बराबर कितना निकल के आएगा, थीटा बराबर निकल के आएगा एक्स बाई ए साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन इधर ले जाओ, इनवर्स में जाएगा, यानी कि अब ये हो जाएगा एक बटे दो, या ए स्क्वायर बटे दो लिखिए, ए स्क्वायर बटे दो, थीटा की जगह पे कितना आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अच्छा अच्छा प्लस ए स्क्वायर बाई टू, रहने दीजिए अभी इसको, और ये वाला टू भी बटे में रहने दीजिए, ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला खोल दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है चलेगा। प्लस सी देखो, अरे इसके फार्मूले में क्या था, टू भी तो आता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इस टू से टू कट जाएगा, कट गया। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कितना है एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, ठीक है चलेगा। कैलकुलेट करेंगे, ये ए स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा साहब साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई टू, साइन थीटा की जगह पर रखेंगे तो इनटू आएगा एक्स बाई ए। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हैं कॉस थीटा को भी तो चेंज करना पड़ेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यानी कि रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के बाहर आ जाएगा ए, मतलब कि साइन थीटा की, कॉस थीटा की वैल्यू, इस वाले कॉस थीटा की वैल्यू मैंने निकाली है, कितना आ गया साहब, ये आ गया कितना आ गया, रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा ए, ई वाला ए और ई वाला ए मिला के इस वाले ए की जान ले लेंगे, ए स्क्वायर की, गया गया खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। प्लस सी, अच्छा अब समझो, मैं थोड़ा सा यहीं पे और इसी को मॉडिफाई करके लिख देता हूँ, है ना। देखो वही फार्मूला आ गया जिसकी थी तुम्हें तलाश, वो घड़ी आ गई। अब देखो ये आ गया है इंटीग्रेशन, एक मिनट, हाँ कितना आया, ये आ गया, हम चाह रहे हैं कि ये x बाई टू को पहले लिख लो साहब, x बाई टू को पहले लिख लो, एक बटे दो, या इसे हम लिखते हैं एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, है ना, यही तो प्रूव करना था, एक बटे दो ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स बाई टू ये हो जाएगा, ठीक है प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। और पांच नंबर आपने पक्के किए हैं, ये सूत्र है, इसे आप ब्रैकेट में दिखाया करिए, है ना, सूत्र फलाने से, समझ में आया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए क्या, एकदम क्लैरिटी आ रही है ना, समझ में आ रहा है ना, एक बार छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में कि यस सर बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वरना धांसु सर को बुला लेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं साहब, क्या बात है, आठ नंबर का प्रश्न है, देखिएगा कैसे इसे धुआं करना है, आठ नंबर का ये प्रश्न है, और ये फार्मूला वही बनेगा जो ऊपर आ चुका है ना, कोशिश यही है कि वही फार्मूला बनेगा, आठ नंबर आपके खाते में जाने चाहिए, है ना, बैंक वाले खाते में, चलिएगा। आप समझिए, कहानी को समझिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ तीन माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, मैं चाह रहा हूँ जो पहले रूट के अंदर लिखा है उसे ही उठा लिया जाए, ठीक है, जो रूट के अंदर लिखा है साहब उसे ही उठा लिया जाए, यहाँ यहाँ कितना, तीन माइनस का टू एक्स माइनस का टू एक्स स्क्वायर, हम एक काम करना चाह रहे हैं यहाँ पे, काम ये करना चाह रहे हैं कि तीन को ना हम एक काम करें, तीन को ये लिख दें ना, तीन को क्या लिख दें, तीन को लिख दो, दो प्लस एक, एक प्लस दो, तो दो हमने लिख दें, नीचे लिख रहे हैं, ठीक है आप इसके सामने लिखा करो पहला स्टेप, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक धन दो माइनस का दो एक्स माइनस का दो एक्स स्क्वायर। एक काम करो, इस पूरे में देखो दो कॉमन ले लो, और मैं चाहूँगा आप माइनस का दो कॉमन लो, माइनस का दो कॉमन ले लिया आपने, तो कितना बचेगा बेटा,
ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का एक्स माइनस का वन बन जाएगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाओ। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा हमारा। हम चाह रहे हैं कि आप एक काम ये कर लें कि दो पूरे से कॉमन ले लें, या अभी ले लीजिए कॉमन, ठीक है, ले लीजिए कॉमन, दो पूरे से कॉमन लो। तो पूरे से दो कॉमन लेंगे, जब हम दो से दो कॉमन ले रहे होंगे उसी दौरान हमारे पास एक अच्छी सी प्यारी सी घटना घटेगी, और घटना ये होगी कि ये 1/2 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब इस वाले को पूर्ण वर्ग बनाना है, इस वाले को पूर्ण वर्ग बनाना है, और मैं चाहता हूँ कि पूर्ण वर्ग इधर बना लिया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस वन है। अब देखो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर वाला पद, ए स्क्वायर मिल गया, 2ab बराबर कितना है, देखो एक घात वाला कौन सा x है, x ले लो, एक ही जगह पर कितना रखना है x रखना है, एक्स बी इक्वल टू एक्स से x काट दो, b बराबर कितना आ गया 1/2। और आपको पता है 1/2 का होल वर्ग यानी b स्क्वायर जोड़ा जाए, b स्क्वायर घटाया जाए, तो इसमें क्या करेंगे हम 1/4 जोड़ेंगे और 1/4 घटाएंगे। कोई टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, हैं, ईश्वर की कृपा से सब काम हो रहा है ना। तो ये प्लस का एक्स है, प्लस का साथ में 1/4 आएगा, और माइनस का एक, माइनस का 1/4 को चुपचाप रहने दीजिए, उसे उसके हालात पे छोड़ दीजिए। देखो ये कितना आ गया, ये आ गया एक्स, ये वाला पूरा कितना आ गया एक्स प्लस 1/2 है ना का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एलसीएम ले गए तो 5/4 ये बन जाएगा। मतलब कि इसकी जगह पे, इसकी जगह पे किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन की जगह पे हम रख सकते हैं एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/4, रख दीजिए साहब, कितना जाएगा ये 2 × 1/2 माइनस माइनस, अब कितना हो गया ये, देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 5/4 बन जाएगा, 5/4 प्लस का बन जाएगा, है ना। अब एक काम करना चाह रहे हैं, देखो 1/2 में ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे 2/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/4। अभी आप समझ जाओगे कि ऐसा क्यों कर रहे थे 2/4। अब देखो 2/4 ये हैं, 5/4 ये हैं, जोड़ दो 7/4 आ गया, कितना आ गया साहब ये आ गया 7/4, 7/4, 7/4 माइनस का एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है, ठीक है, एकदम सही जा रहे हैं। बस थोड़ा सा काम और करना है और मामला एकदम करीबी मुकाबला है। ये अंडर रूट 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, अंडर रूट 7 और नीचे वाले को 2, ये बन गया माइनस का, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बताओ, अब मैं अगर इसे रफ कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इधर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे अब वहां रख दो इंटीग्रेशन में, ठीक है, इधर मैं रफ करता हूं इसको, अब समझिए, ये इसी को हमने तोड़ के यहां पे रखा है ना, क्लियर हो रहा है ना सभी को, इसी को तो तोड़ के यहां पे रखा है, देखो इंटीग्रेशन को ही हमने तोड़ के रखा है, हाँ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फलाने कितना लिया है, लिखा है 3 माइनस का 2x माइनस का 2x स्क्वायर dx, इसी की जगह पे रखना है आपको कितना 2, तो 2 को हम निकाल लेंगे बाहर, और ये लग गया इंटीग्रेशन, और रूट है, रूट को रहने दीजिएगा, है ना, रूट, रूट कितना हो जाएगा, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है √7/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और ये एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा dx है, dx है साथ में। अब बताओ, अब बताइए कि आपने थोड़ी देर पहले जस्ट अभी फार्मूला डिराइव्ड किया है ना, क्या फार्मूला डिराइव्ड किया था, रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो सेम बन रहा है, इधर अचर पद है और इधर चर है हमारा, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट बन रही है, डी एक्स इज इक्वल टू आपने पढ़ा कितना एक्स बाई टू,
रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही तो होता है। रख दीजिए वहाँ पे, बस टू को आप बाहर रखना है ना, अपने पास टू एक्स्ट्रा है। इंटीग्रेशन ठीक है, अरे इंटीग्रेशन क्यों, अब तो सीधा करिए है ना, टू को बाहर रखिए ब्रैकेट के, एक्स बाई टू, एक्स की जगह पे कितना है, एक्स की जगह पे एक बटे दो को बाहर कर लो, एक्स प्लस एक बटे दो है ना, एक बटे दो बाई टू का मतलब क्या हुआ, एक बटे दो को बाहर कर लिया, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एक बटे दो है, ये तो निपट गया। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी रख दीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वही सेम आ जाएगा हमारा, तो मैं चाहूँगा कि इसको पुराने वाले फॉर्मेट में यहाँ पे उठा के रख दिया जाए, कितना आ रहा था वो, सात बटे चार माइनस का एक्स प्लस एक बटे दो का स्क्वायर, ठीक है एडजस्ट हो गया ये, प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है, तो एक बटे दो को रहने दीजिए, ए स्क्वायर मतलब रूट है ऊपर तो सात हो जाएगा, नीचे चार हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे दिया गया है कितना, एक्स प्लस एक बटे दो, तो दो ले लो एलसीएम ऊपर से, तो ये टू एक्स प्लस वन हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इसके बटे में जो दो आएगा इस वाले दो से कट जाएगा, तो ये रूट सेवन आ जाएगा यहाँ पे है ना, प्लस सी। और थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे है ना, थोड़ा सा अगर इसे आप और कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा ये, एक तो एक बटे दो तो ये हो गया, ए स्क्वायर था हमारा तो वो दो था, और कितना हो जाएगा, दो चार हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस दो को जो बाहर है उसे बाहर रहने दीजिए, ये दो काट दें, काट दीजिए, कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अब हमारे पास दो इससे कट जाएगा, एक्स प्लस एक बटे दो, और रूट के अंदर आ जाएगा सात बटे चार माइनस एक्स प्लस एक बटे दो का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आठ है ना, सात बटे आठ, अच्छा, और एक इस वाले दो से मल्टीप्लाई होगा तो ये सोलह बन जाएगा है ना, ये कितना बन जाएगा, सोलह बन जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू ही तो होता है फॉर्मूले में, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आठ आ जाएगा, और उस दो का मल्टीप्लाई भी तो किया था हमने, ओफो ओफो, ठीक है ये दो नहीं था यार, यहाँ पे हमने जब रूट के बाहर कॉमन लेंगे तो रूट आएगा ना, ये रूट में दो आएगा, देखो यहाँ पे जब रूट के अंदर रखेंगे तो रूट दो आएगा यहाँ पे, ये रूट दो, ये भी रूट दो, और आदत खराब कर दिया यहाँ पे रूट दो, ठीक है ठीक है, तो रूट दो, तो एक बटे रूट दो तो यहाँ बचेगा बचेगा भाई, उससे कटेगा भी तो एक बटे रूट दो बच जाएगा, तो एक बटे रूट दो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक बटे दो, और प्लस सात बटे आठ, हम चाह रहे हैं सात बटे आठ हो गया, और ये अंडर रूट दो हो जाएगा, अंडर रूट दो हो जाएगा, ठीक है सात अंडर रूट दो, और ये साइन इनवर्स में आ गया टू एक्स प्लस वन बाई का कितना रूट सेवन प्लस सी, ठीक है। अच्छा इस रूट टू को अगर आप अंदर ले जाओगे तो ये पुनः ये वाला बन जाएगा, इसके अंदर यही बन जाएगा, इसे बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर इस रूट टू को जो ये रूट टू आपके पास है जब मल्टीप्लाई करके या इस रूट टू को डायरेक्ट यहीं ले जाओ अंदर ले जाओ, इसे एक बटे दो रहने दो, ठीक है मत काटो, क्या करो इस एक बट इस रूट दो को अंदर ले जाओ, जब रूट दो को अंदर ले जाओगे तो यही फिर से पुनः देखो यहाँ से सिस्टम ये फिर से वही बन जाएगा, ठीक है तो रूट दो को अंदर ले जाओ एक बटे दो को चुपचाप रहने दो, ठीक है हम चाह रहे हैं कि वो एक बटे दो जो ये वाला है इसको यहीं रहने दो, और अंडर रूट दो को अंदर ले जाओगे तो अंडर रूट दो अंदर जाएगा तो सिर्फ दो बन के जाएगा अंदर है ना, क्या बन के जाएगा दो, दो का मल्टीप्लाई होगा जैसे ही ये फिर से अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाएगा एक बटे दो एक्स प्लस दो, और ये रूट में बन जाएगा कितना कितना तीन माइनस का दो एक्स माइनस का दो एक्स स्क्वायर, ठीक है प्लस आगे वही जो भी लिखा है वो पूरा लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्लियर हुआ ये, अगर क्लियर हुआ तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ठीक है आगे वही लिख दीजिएगा पूरा, आगे बढ़ेंगे साहब आगे बढ़ेंगे, चलिएगा ओ क्या बात है लाजवाब क्वेश्चन, कह रहा है क्या होगा इसका वैल्यू, देखो आई इज इक्वल टू दिया गया है
एक नंबर का सवाल है और ये तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए आपके माइंड में, है ना। एक नंबर का सवाल है, नंबर एक कहो या एक नंबर कहो, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 से π/2 log कितना, ये 4 + 3 sin x, है ना, sin x डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos x, ये dx। हम चाह रहे हैं कि आप प्रगुण अप्लाई करें, है ना, प्रगुण अप्लाई करिए, इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। अब प्रगुण अप्लाई करिए, जहाँ पे x है वहाँ पे π/2 - x रखो, ठीक है, कितना, तो ये 0 से π/2 log, जहाँ पे x है वहाँ पे रखना π/2 - x, तो यहाँ पे sin π/2 - x कितना हो जाएगा, 4 + 3, और sin 90 - थीटा cos थीटा के बराबर होता तो cos x हो जाएगा। और सेम नीचे आ जाओगे तो cos 90 - x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब sin x के बराबर, और ये dx हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ii हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। अब एक बात समझना, यहाँ पे देखो log m प्लस log n, तो कितना हो जाएगा, log m इंटू n, देखो ये आ जाएगा ऊपर वाला, मान लो log m है और नीचे वाला जुड़ेगा उसके साथ तो log n हो जाएगा। और आपको पता है कि ये दोनों क्या होते हैं, log m इंटू n, मतलब इन दोनों पदों का जो अंदर दिए गए उनका गुणा कर दो, तो log कितना हो जाएगा, ये 4 + 3 sin थीटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos थीटा, गुणा में आ जाएगा कितना, 4 + 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 sin थीटा। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास थीटा नहीं है, एक्स है, है ना, हमने लिख दिया गलती से, ठीक है, सब जगह एक्स है, x। अब देखो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे अंदर 1 बना और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 2i बराबर कितना आ जाएगा भैया, सब कुछ 0 हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब उसके आने ना आने का कोई फ़ायदा नहीं, है ना, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, 0/2 पूरा 0 हो गया, कौन सा मान सही होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे साहब, एक नंबर का ये सवाल है, बहुत आसान है, इसमें क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन कॉस का वो फार्मूला रखो जिससे ये 1 कट जाए, ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 कॉस एक्स की जगह पे आप रखोगे, कॉस एक्स बराबर रखोगे 1 माइनस का कितना, 2 sin² x/2 हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाता है ना, एंगल हाफ हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस हो जाएगा 2 sin² x/2, और ये कौन है मिस्टर dx, इससे इसको काट दीजिए, 1/2 को आप ले लो बाहर, 1/2 इंटीग्रेशन 1 कितना, ये sin² x/2 और dx, और ऊपर ले जाएंगे इसे तो 1/2 आएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos² x/2 dx, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपको पता है 1/2 cosec² x का कितना हो जाएगा भैया, ये होता है माइनस का cot x, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर निकाल दीजिए और माइनस का cot x/2, और आपको पता है जो x के साथ गुणांक होता है उसको भाग दे दिया जाता है, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, प्लस का c आ जाएगा, यानी कि बन जाएगा माइनस का cot x/2 + c, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस का cot x/2 + c। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बात है, लाजवाब प्रश्न है ये, देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ 1 प्लस, अब देखो हम चाह रहे हैं sin x/2 को हाफ एंगल के फार्मूले में बदला जाए, चलो पहले हम इसी को उठा लेते हैं जो टर्म दिया गया है, 1 प्लस
साइन एक्स बाई टू, हम चाह रहे हैं कि वन की जगह पे रखा जाए कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर। ये तो हमें पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है वन, तो वन की जगह पे हमने रख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर, और आगे कितना लिखा है साइन एक्स बाई टू, हाफ एंगल में चेंज करो। अब देखो और आधा करोगे तो चौथाई होगा, है ना, अंदर मतलब इसके बटे दो, दो आ जाएगा इसके गुणा में, है ना, और दो एक पहुंच जाएगा वहां पे, तो टू साइन, अरे ये बताओ आपने ये पढ़ा है कि नहीं, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है टू फाइन थीटा कॉस थीटा। और अगर हमें इसी में फार्मूले में हमें साइन थीटा बराबर निकालना होता तो क्या करते, टू फाइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू, और अगर अब हमें थीटा बाई टू निकालना है तो क्या होगा, और आधा हो जाएगा और चौथा ही हो जाएगा कोण, है ना। हर बार देखो दो से भाग होते चला आया, पहले यहाँ दो था तो दो से कम हुआ, फिर यहाँ एक था तो यहाँ दो आ गया बटे में, अब यहाँ आधा है तो चौथा ही हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर चौथा ही होगा तो यहाँ पे थीटा बाई एट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, हमने इसको रख दिया टू साइन कितना थीटा बाई फोर थीटा, जब हमारे पास एक्स है एक्स बाई फोर, और ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई फोर, ठीक है भाई। अब हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि कॉस एक्स बाई फोर प्लस का साइन एक्स बाई फोर का होल स्क्वायर, है ना, ये क्या है होल स्क्वायर, चलिएगा ये हो गया भैया होल स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन, है ना, ब्रैकेट के अंदर में इंटीग्रेशन रूट कितना वन प्लस साइन एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो रूट के अंदर रख ले जाओगे इसका, जब आप वर्गमूल लोगे, है ना, चाहो यहीं पे आप वर्गमूल ले लो, तो ये हमने रूट लिया और इधर लिया रूट, इसको भी ले लिया रूट और इसको भी ले लिया रूट, तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेट करने पे कॉस एक्स बाई फोर प्लस साइन एक्स बाई फोर, कॉस एक्स बाई फोर प्लस साइन एक्स बाई फोर। तो यहाँ पे पहले आप ले लो कॉस एक्स बाई फोर को, बीच में लगा दीजिए प्लस है प्लस, अरे डी एक्स भी तो लगाओगे, है ना, डी एक्स भी तो लगाएंगे, डी एक्स बीच में प्लस है, इंटीग्रेशन कितना साइन एक्स बाई फोर, और ये भी हो जाएगी डी एक्स। अच्छा अब देखो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है साइन एक्स, एक्स की जगह पे कितना है एक्स बाई फोर, और आपको पता है जो एक्स के साथ गुणांक होगा एक बटे चार उससे भाग दे देंगे, एक बटे चार माइनस, देखो साइन एक्स बाई फोर का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स बाई फोर, माइनस का कॉस एक्स बाई फोर, और क्या बताया मैंने कि एक बटे चार से आप दे दीजिए भाग, ठीक है, प्लस कितना सी। अब देखो एक बटे चार जो है ऊपर जाएगा तो चार बन जाएगा, तो यह आ जाएगा चार साइन एक्स बाई फोर माइनस का चार कॉफ एक्स बाई फोर प्लस सी, है ना, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा, क्लियर हुआ ये, है ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए अब देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा छलावा किया गया है, एक्स भी होना चाहिए था साथ में, ठीक है, हाँ आप समझिए, पांच नंबर का ये प्रश्न है, फाइव मार्क्स, पांच अंकों का ये प्रश्न है, समझिएगा। अब देखो करते हैं, अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है, दो प्रश्न है हमारे पास, ये खत्म कर लेते हैं, इसके बाद समझते हैं इस कहानी को, ठीक है। देखो यहाँ पे इस प्रश्न में हमसे कहा गया है इंटीग्रेशन जीरो से वन, और ये है एक्स इंटू में रूट दिया गया है कितना वन माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है डी एक्स। ऐसे प्रश्नों में करते क्या हैं, आपको पता है कि
इस रूट को हटाने के लिए एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस थीटा का आना जरूरी है। तो मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, माना कितना, एक्स इज इक्वल टू आप ले लीजिए कॉस थीटा, ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट चेंज कर दीजिए, है ना, एक्स स्क्वायर की जगह पर रखना है ना, एक्स स्क्वायर तो ये टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स। तो ये हम इसे कह सकते हैं कि ये आ गया एक्स डी एक्स बराबर कितना, माइनस का एक बटे दो साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, लिमिट चेंज की जाए, लिमिट चेंज करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, और कॉस में किसका मान जीरो होता है, नब्बे का, तो ये आ जाएगा नीचे पाई बाई टू, और ऊपर के लिए देखो ये वन आएगा, वन किसका होता है, जीरो का, अपर लिमिट की भैया वन, एक्स की जगह पर वन रखो तो कॉस थीटा बराबर वन, तो कॉस थीटा बराबर कॉस जीरो का मान वन होता है ना, कॉस जीरो, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है भाई। अब ये एक्स और ये डी एक्स, एक्स और डी एक्स मिला के कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे माइनस का, वो बाद में रखेंगे, डी एक्स बाद में रखेंगे, डी एक्स जब, इसको पहले समझिए, ये आ जाएगा रूट का कितना वन माइनस कॉस थीटा, कितना ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा डी एक्स, डी एक्स की जगह कितना रखना है, माइनस का इनटू में है ये, माइनस का एक बट्टे दो साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, वन माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा, हम ऊपर वाले में फार्मूला रखेंगे जिससे वन कट जाए, तो वन माइनस का वन प्लस टू फाइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और नीचे क्या है वन प्लस, इसमें कॉस का वो फार्मूला रखो जिससे ये वन कट जाए, तो देखो प्लस का वन है तो हमें माइनस का वन चाहिए, तो हमने कॉस थीटा की जगह रख दिया टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन से वन यहाँ कट गया, वन से वन यहाँ कट गया, फिर बचेगा दो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बटे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बटे कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये बन जाएगा अब टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और जब ये रूट के अंदर से निकल के आएगा तो सिर्फ टेन थीटा निकल के आएगा, है ना। अब देखो ये माइनस जो है यहाँ ला दो और लिमिट चेंज कर दो, ये माइनस इसे प्लस करेगा और लिमिट चेंज हो जाएगी, है ना, ये अपर लिमिट हो जाएगी हमारी जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया भैया, टेन थीटा बाई टू इसके अंदर से निकल के आ गया, ये माइनस एडजस्ट हो चुका है, इस माइनस ने लिमिट को चेंज कर दिया, लिमिट ए से बी थी, माइनस जैसे ही हटाया हमने बी टू ए हो गई, ठीक है, अपर को लोअर बना दिया, लोअर को अपर बना दिया। अच्छा ये टेन थीटा बाई टू हो गया हमारे पास इन टू में एक बटे दो है अभी अपने पास, एक बटे दो को यहीं रहने दो अभी, एक बटे दो। अच्छा साइन थीटा को भी आप हाफ एंगल में चेंज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, और ये है मिस्टर डी थीटा, इस थीटा से थीटा काट दीजिए, और टेन थीटा बाई टू को मैं चाह रहा हूँ साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू लिख दिया जाए, साइन थीटा बाई टू इंटू में कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू से कॉस थीटा बाई टू कट गया, ऊपर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना, यानी कि ये आ गया इंटीग्रेशन कितना आ गया, ये इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू, कितना साइन थीटा बाई टू ये है, साइन थीटा बाई टू ये है, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डी थीटा, ठीक है। अब करो इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को फिर से कन्वर्ट करना होगा वही अपना पुराना वाला साइन थीटा वाले फार्मूले से, है ना, कॉस टू थीटा वाले फार्मूले से, तो कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन के पदों में होता वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो एक काम करो इसको इधर ले, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, तो कितना आ जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा बटा दो, है ना, इसकी जगह पे हम रखेंगे जब, कितना आ जाएगा ये जीरो से पाई बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा वन माइनस का कॉस टू थीटा बाई टू, कॉस टू थीटा बाई टू, और ये है मिस्टर डी थीटा,
ठीक है, ये हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2। अच्छा, और 1/2 का क्या करेंगे, 1/2 का जो अब इंटीग्रेशन करना चाहिए था वैसे, चलो रहने दो, इंटीग्रेशन साथ में करेंगे, 1 - cos 2θ रहने दो, ब्रैकेट में कर लो इसको, और ये 2θ हो गया, ये जो बट्टे में 2 था इसको हम चाह रहे हैं कि 1/2 को बाहर कर लिया जाए, कर लिया हमने, 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा, और इसका हो जाएगा -sin θ, माइनस का तो है ये, पहले sin 2θ हो जाएंगे, sin 2θ, अब बट्टे में गुणांक को बट्टे में ले लेंगे, ले लिया, और ये है 0 और ये है π/2, ठीक है, 0 और π/2, 0 और π/2, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताएं, ये θ/2 है तो यहाँ 2θ नहीं आएगा, सिर्फ थीटा रहेगा, है ना, 2θ थोड़ी आएगा, देखो यहाँ पर θ/2 है तो थीटा आएगा, हैं भाई, ये यानी कि हम यहाँ पे लेंगे तो ये sin θ बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा θ/2, अरे ठीक है, हाँ थीटा, अगर हम cos θ बराबर निकालेंगे तो 2 sin²θ/2, ठीक है, तो अरे हाँ, तो यहाँ निकालेंगे तो cos θ आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कभी 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 बड़ी सावधानी के साथ प्रश्नों को हल करना चाहिए। 1/2 रखो, अपर लिमिट रख दी जाए पहले, π/2 माइनस sin π/2, है ना, sin θ की जगह पर कितना π/2, और लोअर लिमिट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, -0 हो जाएगा, +0 आ जाएगा भैया, क्योंकि 0 θ 0 हो जाएगा डायरेक्ट, और sin 0 की वैल्यू भी 0 होती तो आगे लोअर लिमिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे मल्टीप्लाई करो 1/2 को, तो आ जाएगा π/4 माइनस sin 90 का मान 1 होता है, और 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि π/4 माइनस 1/2 इज करेक्ट आंसर, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा π/4 माइनस 1/2, तो याद रखना इस प्रश्न में इनटू में एक्स है सार्थ में, ठीक है, चलिएगा। एक प्रश्न और बचा है, इस प्रश्न को समझना है, इसके बाद आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है, आप समझिए इस प्रश्न में ना, एकदम सिंपली समझना है और कुछ नहीं है इस प्रश्न में, आसान है लेकिन थोड़ा सा बड़ा जाएगा ये प्रश्न, है ना, थोड़ा बड़ा होगा ये प्रश्न, क्योंकि 5 नंबर का है इसलिए बड़ा भी होगा तो चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि x³/3/2 है ना, x³/3/2+1, हम चाह रहे हैं कि इसी को टी मान लिया जाए, ठीक है, माना x³/3/2+1 = कितना टी मान लिया, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने पे आएगा 3/2 और x³ में कितना आ जाएगा 3/2 - 1, 1/2 मतलब कि √x, है ना, √x, और ये dx, ये तो 1 0 हो जाएगा, = कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, है ना, ठीक है, √x, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम निकालें dx बराबर आ जाएगा 2/3 और dt डिवाइडेड बाई √x, ठीक है, √x हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब अगर यहाँ से वैल्यू √x की निकाली जाए, है ना, √x की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आएगी, √x की वैल्यू निकाली जाए, इससे अच्छा है कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा टिपिकल बन रहा है ये प्रश्न, और रास्ता एक निकाला जाना चाहिए, रास्ते अपने पास बहुत हैं, है ना, हाँ, मान लीजिए यहाँ पे ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इस प्रश्न को, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, ये फलन लिखा हुआ है हमारा इंटीग्रेशन में है dx/, अंदर है देखो ये x लिखा हुआ है, x को हम अगर लिख दें √x² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, √x² हो जाएगा। अच्छा, अंदर और देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको हम लिखें अगर √x² या तो इसे यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, वही रहने दीजिए, x ही है तो x ही रहने दीजिए, और ये देखो इसकी पावर में 3 कर दीजिए, की पावर में 3 + 1,
प्लस वन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम रूट एक्स को टी मान लेते हैं। ठीक है, माना रूट एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करते हैं वन बाई टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है ये डी टी। ठीक है, और अगर हम यहाँ से निकालना चाहें डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, डी टी, अच्छा एक्स देखो रूट एक्स आ जाएगा, रूट एक्स की जगह टी रख देंगे तो टी डी टी है ना, और टू का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इस कंडीशन में डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टू टी डी टी है ना, हो गया। अच्छा चलो समझते हैं इस कहानी को, तो अब आ जाएगा इंटीग्रेशन कितना, एक्स की जगह पे अगर हम रखेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स की जगह पे आपको रखना है टू टी डी टी डिवाइडेड बाई, और एक्स की जगह पे कितना रखना है टी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा टी स्क्वायर, और अंदर देखो ये टी क्यूब हो जाएगा, हैं टी क्यूब प्लस वन। अच्छा, ये स्क्वायर वाली पावर इससे कट जाएगी, कट गया, अब ऊपर सिर्फ टू बचा है हमारे पास, है ना, टू को हम चाहते हैं टू को भी बाहर निकाल दो, तो डी टी बटे एक टी नीचे बचा और दूसरा बचा है हमारे पास टी क्यूब प्लस वन। ठीक है, अब समझो, अब इस प्रश्न में थोड़ा सा खेल करना पड़ेगा, है ना, कितना देखो इधर ये है टू इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाई टी इंटू, देखो टी क्यूब प्लस एक का क्यूब, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में आ जाएगा टी प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस वन। अब हमें आंशिक भिन्न की मदद से इन्हें तोड़ना है ना, आंशिक भिन्न की मदद से तोड़ना है, हम आंशिक भिन्न की मदद से तोड़ेंगे, तो क्या है ये वन बाई टू, और ये है हमारे पास टी प्लस वन, और है टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस वन, इसे रखेंगे ए बटे टी प्लस बी बटे कितना टी प्लस वन प्लस, अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन है, इसके फैक्टर होने चाहिए थे लेकिन इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे, है ना, इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि सी एक्स प्लस डी लिखा जाएगा, सी एक्स प्लस डी बटे में कितना टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस वन। अब पहले ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, है ना, पूरी उम्मीद है हमें। चलो तो उसके जो हर में होता है उसी को जीरो के बराबर करते हैं, तो टी बराबर जीरो करेंगे, तो टी बराबर जीरो के लिए ए मिलेगा, ए इज इक्वल टू टी वाले में नहीं रखेंगे, उसके बटे में जो होता है पद उसको हटा देते हैं, देखो ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो प्लस वन एक आएगा और इससे भी एक आएगा, यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा एक बटे एक, यानी कि एक। अच्छा, अब इसके पास आ जाओ बी के पास आएंगे तो टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का एक, है ना, टी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का एक। अब सुनो, इसमें आपको क्या करना है, इसमें यह ध्यान देना है आपको कि उसके बटे वाले को हटा दो, इसको हटा दिया, इसके अलावा आप टी की जगह माइनस एक रख दीजिए, माइनस एक रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर अब देखो कितना हो जाएगा, जहाँ टी वहाँ माइनस एक रखो, माइनस एक तो ये माइनस हो गया, नीचे हो गया वन बाई माइनस का एक इतना, यहाँ पे भाई माइनस एक रखो वन हो जाएगा, और माइनस वन ये प्लस वन हो जाएगा, और ये भी प्लस वन हो जाएगा, यानी कि बी का मान आ गया माइनस का एक बटा तीन। अच्छा, ए मिल गया, बी मिल गया, सी और डी के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, वन बराबर एलसीएम लिया, हम मान के चल रहे हैं कि इधर सब कुछ कट गया, ए के साथ मल्टीप्लाई में आएगा कौन, ए के साथ मल्टीप्लाई में आएगा ये टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, और मुझे पता है कि टी क्यूब प्लस वन होता है ना, तो ए इंटू टी क्यूब प्लस वन। अच्छा, प्लस बी, बी के साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा, टी टी आ जाएगा और ये वाला पद आ जाएगा, तो बी के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें टी क्यूब माइनस का टी स्क्वायर प्लस टी। अच्छा, और धन में कौन है, धन में है सी एक्स प्लस डी, अगले ब्रैकेट में है भाई हमारे पास टी इंटू टी प्लस वन, यानी कि टी स्क्वायर प्लस टी, टी स्क्वायर प्लस टी,
एक्स यहाँ नहीं लिखते, टी है तो टी ही रखा जाएगा, है ना, टी ही रखा जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे दोनों ओर आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई, जहाँ जहाँ सी का जुगाड़ हो रहा हो वहाँ पे उठा लीजिए उनको, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि अचर पद उठाए जाएँ, तो यहाँ पर अचर पद क्या है, वन, और यहाँ पे कौन है, अचर पद, देखो ए का गुणा होगा तो ए इसके साथ गुणा होगा तो अचर पद ये आ जाएगा, और इसके पास तो अचर पद आने का कोई सवाल ही नहीं है, हैं, ए इज इक्वल टू वन आ गया अचर पदों से, ठीक है। अब थ्री पावर ले लो, देखो ए प्लस बी, ए की पावर थ्री है या बी थ्री है, और सी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब सी टी का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो यहाँ भी टी की पावर थ्री आएगी, ठीक, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ए का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे वन है, और इसकी वैल्यू माइनस की वन बाई थ्री है, प्लस सी इज इक्वल टू आपको वैल्यू निकालनी है, तो सी बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का दो बटा तीन, है ना, सी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का दो बटा तीन। अगला आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर वाली घातों की कंपेयर करना, तो उस स्क्वायर वाली घातों की कंपेयर करेंगे तो माइनस का बी आएगा यहाँ पे, उसके बाद और कहाँ स्क्वायर आएगा, सी टी स्क्वायर, सी टी स्क्वायर तो प्लस का सी आएगा, और डी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का डी आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना, टी स्क्वायर की घातें भी जीरो हैं, देखो इधर टी स्क्वायर वाला पद ही नहीं है तो जीरो हो गया। इसको कैलकुलेट करके आप यहाँ से निकालिएगा डी का मान, तो अरे बी और सी के मान रख दीजिए, डी का मान आ जाएगा एक बटा तीन आया है, ठीक है, डी का मान कितना आया, एक बटा तीन, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा, एक बटा तीन, ठीक है, कितना आ गया, एक बटा तीन। चलो मैं इसे उठा के दिखा देता हूँ पहले साइड में, अच्छा इसका कुछ हो भी नहीं सकता। अब देखिएगा ये कैलकुलेट हो चुका है, आराम से इसे समझिएगा, हो जाएगा। अब देखो, अब आपको सारी वैल्यू रखनी है यहाँ पे, आराम से मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ सीधा, पहले रख रहा हूँ सारी वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए, ये दो है इंटू, उसे रहने दीजिए, वन बाई टू इंटीग्रेशन वन बाई टी, तो ये आ जाएगा वन बाई टी डी टी, ठीक है, यह एक ही वैल्यू बने आई है, प्लस बी का वैल्यू कितना आया है, दो, माइनस का एक बटे तीन, ये दो मल्टीप्लाई होगा तो ये चाहते हैं कि माइनस माइनस रहने दो, माइनस का दो बटा तीन हो जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा वन बाई टी प्लस वन, ठीक है, और ये हो जाएगा साहब डी टी, और आगे कितना है ये देखो, यहाँ पे सी और डी के मान रखेंगे, सी और डी के मान रख के कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा हो गया, इसे आप एक बार ट्राई करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइनस का एक बटे तीन, सी और डी की वैल्यू दोनों आई है, क्लियर कर लीजिएगा, एक बटे तीन, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, टू टी, है ना, इंटीग्रेशन करिएगा, टू टी माइनस वन आएगा, डिवाइडेड बाई में आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस वन डी टी, ठीक है। अब नीचे वाले को आप टी मानोगे, ऊपर वाला देखो इसका डिफ्रेंशिएशन दिया है, तो सीधा ये लॉग हो जाएगा, क्या जाएगा, टू, कितना, टू लॉग टी, टू लॉग टी, और आपको पता है ये टू लॉग टी हो गया, टू लॉग टी, लॉग टी माइनस दो बटे तीन लॉग टी प्लस वन, ठीक है, माइनस का एक बटा तीन, अरे इसके साथ भी तो दो गुणा में है, इसके साथ भी दो गुणा में है, ये वाले दो का गुणा सबके साथ है, ये भी हो जाएगा दो बट्टा तीन, दो बट्टा तीन, और ये भी बन जाएगा नीचे वाला, इसको आप टी मानोगे या पी वाई मान लेना, इसे वाई मानोगे ना, ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, और ये डी टी डी, इसे टू टी माइनस वन और डी टी डी वाई के साथ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई, और ये लॉग वाई बन जाएगा, लॉग वाई की वैल्यू रख दीजिएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, अरे इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अवकलन ही तो दिया है, देखो टू टी माइनस वन ऊपर दिया है, इसका अवकलन ही तो दिया है, ठीक है, प्लस सी। अच्छा, ये सारी वैल्यूज रख दीजिए, उसके बाद हम चाह रहे हैं आंसर, अगर मैच करवाना है तो मैच करवा लीजिएगा, नहीं मैच करवाना है तो एक बात आपको बताएं, देखो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि अगर आप आंसर नहीं मैच कराना चाहते हैं तो ये दो बटे तीन को ही रहने दीजिए, तीन से यहाँ भाग करिए, तीन से यहाँ गुणा करिए, जो गुणा करेंगे लाग में है चूँकि वो यहाँ चली जाएगी, ठीक है। देखिए दो बटे तीन सब जगह पर है ना, तो एक काम करो, दो बटे तीन पूरे से ले लो, कॉमन ले लिया, ऊपर आ गया टी क्यूब, और ये दोनों माइनस में टर्म है तो नीचे जाएंगे, अरे लॉग भी तो लिख लो, दो बटे तीन, और ये आएगा लॉग, अंश में देखो ये टी क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस के पद हैं नीचे जाएंगे, तो ये टी प्लस वन हो जाएगा,
और ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, है ना भाई, इंटीग्रेशन है, प्लस का सी है साथ में, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कितना हो जाएगा ये, दो बटे तीन लॉग टी क्यूब, है ना, अगर आप टी क्यूब रखेंगे तो एक्स की पावर तीन बटे दो आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स की पावर तीन बटे दो, और ये टी क्यूब प्लस वन की है तो ये हो जाएगा तीन बटा दो प्लस वन प्लस सी, है ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँच नंबर का। 2015 कंप्लीट हुआ, कल से हम प्रश्न करेंगे 2016 के, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जो हम करवा चुके हैं वो हम छोड़ देंगे इन प्रश्न पत्रों में भी, ठीक है, चलिएगा बढ़िया से करिए, मुलाकात होगी हमारी आपसे कल फिर से इसी समय। वीडियो पसंद आई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको ये क्लास, है ना, कैसा लगा ये क्लास आपको, क्या सारी चीज़ें बेनिफिशियल होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, चलिएगा आज की क्लास यहीं तक। माता पिता और बुज़ुर्गों का सम्मान कीजिएगा, देश के अन्नदाता का सम्मान सर्वोपरि रखिएगा, जीवन में बहुत आगे जाना है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।